क्योंकि मुसलमान मर्द कभी भी अपनी बीवी को वो इज्जत, वो मान, वो मर्यादा, वो वैल्यू कभी नहीं देते हैं जो हिंदू मर्द अपनी बीवी को देते हैं। उसका भी प्रूफ है मेरे पास। यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? देखो मारो यही काम हिंदू मुसलमानों पे करते तो पाकिस्तान में बवाल उठ जाता कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों पर कत्लोगारत शुरू कर दी। क्योंकि हिंदू संविधान के बैरिकेड के अंदर अभी है, वरना 85% हिंदुओं के अंदर इतनी ताकत जरूर है कि हिंदुस्तान के 14% हिंदुओं मुसलमानों को ना उसकी माँ की दूध याद दिला दे। अब ये क्या है अनम, इसको मुझे बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली आप जानती हैं हरियाणा के अंदर मुस्लिम हजूम ने हिंदुओं पर पत्थर बरसाना शुरू किए, हमले शुरू किए, और अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो कि अब सुनने में आ रही है कि सनातन धर्म को तबाह करने के लिए मुसलमान हजूम हिंदुओं के दुश्मन बने जा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि 2024 की खाना जंगी खूनी जंग शुरू हो रही है, नजर ऐसा आ रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू के धर्म को तबाह करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है मैम कि मुस्लिम हजूम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये दंगे फसाद क्यों शुरू हुए हैं? अनम आपने एक अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी है? कौन सी? अली बाबा 40 चोर नहीं सुनी? अली बाबा एक किंग टाइप का हुआ करता था, जैसे मुगल लोग हुआ करते थे, और उसके 40 चोर थे। तो वो जितने भी अपोजिट बादशाह होते थे उनके यहाँ वो लोग जा करके चोरी करता था, और अली बाबा पहरेदारी करता था, और 40 चोर सारे खजाने को चोरी कर करके और दंगा मचा करके चले आते थे। अच्छा, अली बाबा है पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में जिन्होंने दंगा किया है नूह में, मेवात में, हरियाणा के मेवात और नूह में, वो हुए 40 चोर। अब आप बोलिएगा क्या आपने फिर से, नाजिया जी आपने पाकिस्तान का नाम निकाल दिया, ये कोई बात है? आपके आपके देश में दंगा हो रहा है, आपके देश में सब कुछ होता है, तो क्या सब कुछ पाकिस्तान कर देता है? तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ है। यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? देखो मारो तो फिर भी सब आप है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गए तो मुसलमान जन्नत में जा रहा। मतलब मैं, मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ, जंग गई हूँ, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे कामयाब करेगा। ये चीजें आओ ना सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, हम धर्म की रखवाली करो। माँ चुदा के मुसलमानों को या मियों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, तो तुम्हारी माँ के लड़ दे दिया जाएगा, उनको तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुना आपने? बिल्कुल, ये देख रही हैं आप, ये पाकिस्तान का ट्विटर है। मेवात में जिस दिन ये हुआ है उससे 24 घंटे पहले पाकिस्तान के इस आदमी ने मेवात के मुसलमानों को प्रोवोक किया है। हरियाणा, मेवात, नूह, ये सारे के सारे मुसलमानों को प्रोवोकेशन दिया, उसको उंगलीबाजी किया है, उसको ये वीडियो वायरल करवाया है बूस्ट करके, और उन लोगों को ऐसी गंदी गंदी गालियों से हिंदुओं को पुकारा है, जो मैंने आपको सुनाया है, मैंने आपको पूरे प्रूफ दिए हैं। अब ये क्या है अनम, इसको मुझे बताइएगा। यह है संविधान हमारा, यह है हमारे हिंदुस्तान का संविधान, ठीक है? इसको हम कहते हैं अपने हिंदुस्तान का संविधान, ठीक है? हम संविधान के मानने वाले हैं, हम अपने कानून के मानने वाले हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, हम जिहाद के नाम पर लोगों का कत्ल नहीं करते। हमारे हिंदुस्तान के सनातनी भाई, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, हमारे हिंदुस्तान के वो सनातनी भाई जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जिन्होंने भगवद्गीता पढ़ी है, जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा है, जिन्होंने महाशिव शिव की पूजा की है,
ऐसे लोग कभी भी जिहाद के नाम पर किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ऐसे हिंदू और सनातनी जो बचपन से देवी और देवताओं की पूजा करना सिखाया जाता है, जिनके घर से माँ की कोख से जो देवियों के चरण पर फूल देना सीखते हैं, वो कभी भी तलवार और भाला लेकर के खड़े नहीं हो सकते। आपने अभी कहा ना कि हिंदू खामोश क्यों है, क्योंकि हिंदू संविधान मानता है, क्योंकि हिंदू संविधान के बैरिकेड के अंदर अभी है। वरना 85% हिंदुओं के अंदर इतनी ताकत जरूर है कि हिंदुस्तान के 14% हिंदुओं मुसलमानों को ना उसकी माँ की दूध याद दिला दे, किस कोख से पैदा हुआ है ना उस कोख में दोबारा पहुंचवा दे। 85% इस हिंदुस्तान में हिंदू है और महज 14% मुसलमान। पर ये इतने शरीफ हैं और इतने ज्यादा कानून के अंदर रहते हैं कि इनसे ऐसी हिंसा नहीं हो पाती है जो मुसलमान का शरिया लॉ सिखाता है, जो मुसलमान के मौलवी मुल्ला सिखाते हैं, जो मुसलमान के जितने भी शरिया में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सिखाता है, जो मुसलमान के इस्लाम को सिखाया जाता है कि तुम जिहाद के नाम पर किसी के भी इमोशन के साथ, किसी के भी पोलाइटनेस के साथ, किसी की भी शराफत के साथ, किसी की भी तहजीब के साथ तुम खेल लो, ये मुसलमानों को सिखाया जाता है, ये हिंदुओं और सनातनियों को नहीं सिखाया जाता है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी, ठीक है। अब मैं आती हूं अपनी बात पर। अनम, आपके पाकिस्तान में चर्चा थी ना कि मुसलमान डिप्राइव होते हैं हिंदुस्तान में, अभी आप क्या बोलिएगा? और अब सब जी बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ आज आपकी बात, क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हैं। ये मेरा सवाल ही था आपसे, मैं आपको मतलब एक क्वेश्चन इसके बाद या थर्ड लास्ट में करने ही लगी थी कि अभी आप यहाँ पर अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में अभी तक इस बात को लेकर कोई भी मतलब अपनी बात आवाज नहीं उठाई गई कि मुसलमान क्यों हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान क्यों ऐसा कर रहे हैं, या मुसलमान जो है वो इस टाइम गलत वे में चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में नहीं अभी तक बोला गया। अगर यही काम हिंदू मुसलमानों पर करते तो पाकिस्तान में बवाल उठ जाता कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों पर कत्लोगारत शुरू कर दी, इस तरह के सामने आने लग जाती चीजें। और एक और चीज मैम, कि अभी तक मुसलमान लीडर जो कि हिंदुस्तान के अंदर है, उन्होंने भी ऐसे कोई मतलब काम नहीं किया, इकदाम नहीं उठाया कि ये दंगे फसाद कम खत्म हो जाने चाहिए, क्या वजूहत है? यही सवाल मैं आपसे करने ही वाली थी कि अगर हिंदू ऐसा कर देते तो पाकिस्तान तो सर पे आ जाता कि भाई ऐसा हो गया, मीडिया एक एक चीज कवर करना शुरू कर देती, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर क्यों किया। देखिए अनम, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। ये जो मस्जिद का हाय बबेला और सीना पीटना और नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर और हाय मेरा इस्लाम खतरे में, हाय मेरा इस्लाम खतरे में, ये जो नौटंकी होती है ना, ये जो लुंगी उठा उठा करके नाचना होता है ना मुसलमानों का, दाढ़ी टोपी लगा करके, और ये जो मातम होता है ना इस्लाम के नाम का कि मेरा इस्लाम खतरे में आ गया है, तो एक तो सबसे पहली बात है मेरा जवाब रहेगा कि भाई तुम इस पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट कर बता रहे हो कि तुम्हारा इस्लाम बहुत कमजोर है जो हर रोज खतरे में आ जाता है। दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि जब अभी ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन वो आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, उस पर कोई नहीं बात करना चाहेगा। क्यों नहीं बात करना चाहेगा? क्योंकि वो 1665 में औरंगजेब ने उस मंदिर को डेमोलिश करके अपनी मस्जिद बनाई थी, और ASI की जो रिपोर्ट है, सर्वे है, उसके बीच में टांग घुसाने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। बार बार हिंदू पक्षों के वकील और हम जैसे लोग जो प्रो हिंदुस्तानी हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई, और कोर्ट भी कह रहा है, चीफ जस्टिस कह रहा है कि भाई अगर ये मस्जिद है ठीक है मस्जिद है, अगर ये मंदिर है ठीक है मंदिर है, एक सर्वे हो जाने दो, सर्वे से जो रिपोर्ट आएगा और जिसका भी निकलेगा उसको वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये जिहादी माल और ये हिंदुस्तान में बैठे हाफिज सईद के गुलाम और ये हर गली में पैदा हुए हुए नौजवान हिंदुस्तान की मुसलमान गलियों के अजमल खसब, ये रोज कुर्ता पैजामा और टोपी लगा करके वहां पर खड़े हो जाते हैं नारे तकबीर पढ़ने के लिए और सीना पीटने के लिए कि मेरा इस्लाम खतरे में आ गया है।
85% हिंदू कोर्ट पर विश्वास करते हैं, 85% हिंदू संविधान पर विश्वास करते हैं, 85% हिंदू इंसानियत पर विश्वास करते हैं, 85% हिंदू अपनी मेजॉरिटी पर विश्वास करते हैं, और 85% हिंदू जितने के जितने 85% हिंदू हैं वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू लॉ और अंडर द बैरिकेट ऑफ लॉ चलना चाहते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मैटर हो अयोध्या का, और चाहे वो ज्ञानवापी का मैटर हो। इसके अलावा जिहाद जैसी हरकत और फितरत, ये जो औरंगजेब की छठी औलाद थरंगजेब है हिंदुस्तान की मुसलमान गलियों में, ये वो करते हैं, ये हिंदू पक्ष नहीं करते, कभी नहीं करते, और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि ना ही ये संविधान ने उनको सिखाया है और ना ही उनके रामायण और गीता ने उनको सिखाया है, इसलिए वो नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के शरिया लॉ ने उनको सिखाया है जिहाद के नाम पर गला काटना, जिहाद के नाम पर कन्वर्शन कराना, जिहाद के नाम पर हिंदू बहु बेटियों पर नजर खराब करना, जिहाद के नाम पर लोगों का कत्ल करना, जिहाद के नाम पर कई कई बस्तियां जला देना, जिहाद के नाम पर जिंदा लोगों को काट देना, जिहाद के नाम पर लोगों को डिप्राइव करना, जिहाद के नाम पर तलाक देना, जिहाद के नाम पर पॉलीगेमी करना, जिहाद के नाम पर मर जाना और उसके बाद फिर आसमान पर 72 वर्जिन हूर ढूंढना, ये शरिया सिखाता है, ये इस्लाम सिखाता है। आपको बात समझ में आई? एक एरिया नूह मेवात जो हरियाणा में है, जिस एरिया का जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी का मुसलमान है, ठीक है, शोभा यात्रा निकलने वाली है, पुलिस पोस्टिंग से लेकर के पुलिस सिक्योरिटी से लेकर के पुलिस परमिशन तक सब कुछ कराया गया है, मात्र 35 से 40 आदमी शोभा यात्रा लेकर के निकले अपने अपने धर्म की पूजा करने के लिए हिंदुस्तान, हिंद हिंदुओं का सितान, अपनी पूजा करने के लिए निकले हैं, और 500 से 600 लोगों ने, मुसलमानों ने, दंगई ने, आतंकवादी ने, अजमल कसब और हाफिज सईद के गुलामों ने उनको घेर लिया, और घेरने के बाद छतों से, मस्जिदों से, छप्पर से और अस्बस्टर से, पेड़ों से चढ़ चढ़ करके गोलियां चलाई हैं, पत्थरबाजी किया है, ईंटें पत्थरों से मारा है, गाड़ियां चलाई हैं, 500 लोगों की जान ली है, बच्चों के स्कूल के बस पर उन्होंने आतंक मचाया है, बच्चे सहम गए, वहां के स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये कहते हैं अरे मुसलमान तो खतरे में है, इस्लाम तो खतरे में है। भैया कहां से इस्लाम खतरे में आ गया? कौन सा है ये इस्लाम, कौन सा है ये इस्लाम जो आपको ये आतंक मचाने का आपको इजाजत दे रहा है? ऐसे इस्लाम को बंद हो जाना चाहिए। कौन सा है ये इस्लाम? आप मुझे एक बात बताइए अनम, कि हिंदुस्तान में हिंदू पूजा नहीं करेंगे तो कहां जाकर करेंगे? मदीना में जाकर करेंगे? कहां जाकर करेंगे? मक्का में जाकर करेंगे? हिंदुस्तान में हिंदू पूजा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। यही हिंदू के सिविलाइजेशन को देखिए, इन्हीं हिंदू की तहजीब और तमीज को देखिए, कि ये कितनी आसानी से ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, शबे बरात मनाते हैं, शबे कदर मनाते हैं, बारा वफात मनाते हैं, सारी चीजें मनाते हैं, पर कभी कुछ नहीं होता है। यही हिंदू आप महाराष्ट्र बॉम्बे में जाइएगा तो हम जैसे लोग अगर रोजे में पहुंच जाते हैं तो बॉम्बे में हिंदू दुकान वाले हमें अफतारी मंगा कर देते हैं कि मैडम आप अफतार कर लीजिए, आप दे रहे हैं, अरे आपका रमजान है, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, हिंदुओं को भी पता है, तो हमें पता है कि आप लोग अफतार में क्या खाते हैं। यही हिंदू जब वेस्ट बंगाल में, जब मैं पॉलिटिकल मीटिंग में निकलती हूँ रमजान के वक्त, तो मेरी स्पीच बाद में रखते हैं कि दीदी आप रोजे में हैं, आप रोजा पहले खोल लीजिए, उसके बाद आप अपनी स्पीच रखिएगा, और बजाफते मेरे लिए अफतार का पूरा इंतजाम करते हैं, मेरे लिए नमाज का इंतजाम करते हैं। तो मैं इनको अच्छा बोलूंगी या ये दंगई और हाफिज सईद की छठी औलाद को मैं अच्छा बोलूंगी? मैम
आपने जैसे बात की है कि जैसे कि अभी मारा गया है पुलिस वालों को, होमगार्ड्स को, लोगों को वहां पर जलाई गई है पुलिस की गाड़ियां और लोगों की गाड़ियां और मंदिर को, इस तरह से चीजें। लेकिन मैं एक चीज देख रही थी और ये मैंने पढ़ा भी है कि अगर हम देखें तो मीडिया पर सिर्फ मौलवियों के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है, मौलवियों से रिलेटेड न्यूज इस टाइम आ रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर किस तरह से, बताया जा रहा है बट उस तरह से नहीं कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर किस तरह से पत्थर बरसाना शुरू किया, हमले करना शुरू किए, ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा उस तरह से जिस तरह से मौलवियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या वजूहात है मौलवियों को उस तरह से क्यों बताया जा रहा है, क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों नहीं इस टाइम बताया जा रहा कि मुसलमानों ने गलत किया है हिंदुओं के साथ और गलत कर रहे हैं? उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा, अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। आप सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं। अगर ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो मैं बिरज में ही बैठा हूँ, बिरज में रहता हूँ और जहां से यात्रा गुजर रहा है वहां मैं 24 घंटा ड्यूटी देता हूँ। ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर हम किस लिए? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कल 31 तारीख हम देख लेंगे कितना बड़ा और आके दिखा दे, हम देख लेंगे तो शेरनी का दूध पिया तो। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिट्टी छिट्टी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे हमें क्या पता। अगर वो था ये जो मौलवी बोल रहे हैं, आप भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूँ, हमारा इस्लाम ये सब कुछ नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ये नहीं बताता। आपके मौलवी जो सब कुछ बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे इस्लाम में मैंने ये कहीं भी पढ़ा है कि आप इस तरह से जहादी बन जो अपने डिफेंस के लिए आप लोगों को मारना शुरू कर दो। ये कब कब मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है मैम? देखिए ये मौलवी सिर्फ दंगई और आतंकवादी और हाफिज सईद की तरह बात नहीं कर रहा है, ये मौलवी गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है जिसमें बीप 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 कर दिया गया है। ये मौलवी हिंदुओं की माँ बहनों को गालियां दे रहा है और गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां दे रहा है। ये क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट करेंगी, आप इसको पोस्ट करेंगी, इसलिए मैं वो गालियां आपको नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं। ठीक है, क्यों मिस्र में लड़कियां नहीं बेची जाती थी? 1000 वॉर के बारे में नहीं बताया है? जिहाद के नाम पर कितने वॉर हुए हैं ये नहीं बताया है? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, अन्हों के खाविंद हस्बैंड हजरत अली को किसने मारा था? तलवार से किसने सीना चीर दिया था? जो उनके बगल में नमाज में सजदे में बैठा हुआ था उसने चीरा था। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताइए, सच बोलना क्या पाप है? सच बोलना क्या गुनाह है? हमने जो चीजें कुरान में पढ़ी हैं, हमको जो चीजें मौलवी और मुल्ला शरिया में बताते हैं, हम वो नहीं बोले, छुपा ले, क्यों छुपाएं? और अगर छुपाने की बात है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। अगर छुपाने की बात है ना तो इसका मतलब है कि वो गलत है ना, और अगर वो सही है तो फिर छुपाने की तो जरूरत नहीं है। आज अगर मुझे कहा जाएगा कि नाजिया तुम कुरान की तिलावत करो और उसका मायने समझाओ, तो मुझे तो कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी और उसका मायने समझाना पड़ेगा। अब कुरान की तिलावत में आ जाएगा सूरह मरियम, बहुत गौर से सुनना पड़ेगा आपको अनम, क्योंकि आप कोई आप ये पोस्ट कीजिएगा, आपका ये न्यूज है और न्यूज अवेयरनेस का काम करता है, गुमराही का काम नहीं करता है। अब हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसमें हम सूरह मरियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्रिश्चियन को नहीं मानते हैं, आप लोग मुसलमान कहते नहीं बाइबल तो हमारी किताब नहीं है। आपके यहां पाकिस्तान में यहूदियों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, आपके यहां पाकिस्तान में यहूदियों को खड़े खड़े जला दिया जाता है, आपके यहां पाकिस्तान में यहूदी अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर रखते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो तो यहूदी थी,
तो क्या करें, इसको निगल जाए, छुपा ले, नहीं बोले, नहीं बोले तो नहीं बोलेंगे, मतलब झूठ बोले, मतलब मुझे इस्लाम सिखा रहा है कि तुम जानती हो सब कुछ, सारे राज तुमको पता है, पर तुम झूठ बोलो। पर दूसरी तरफ कह दिया जाएगा, अरे झूठ बोलोगी तो जहन्नम चले जाओगी, तो भाई हम जन्नत जाए, हम जहन्नम जाए, मिलना तो हमने कुछ भी नहीं है, ये दंगई, ये आतंकवादी, ये अजमल कसब जैसे लोग, ये हाफिज सईद के जरखरीद गुलाम, ये लोग ही तो जन्नत जाके 72 वर्जिन हूर का मजा लेंगे, हमने तो ऐसे भी मजा नहीं लेना है, ना धरती पे ना आसमान पे जन्नत पे, तो इट्स बेटर कि हम सच बोले। इससे अच्छा है ना, जब हमको पता है कि धरती पर मुसलमान पढ़ी लिखी लड़कियों का कोई औकात, कोई वैल्यू मुसलमान मौलवी मुल्ला और मुसलमान मर्दों की नजर में नहीं है। मुसलमान मर्द हर रोज पढ़ी लिखी और काम करने वाली एडुकेटेड लड़कियों को हर रोज गालियों से नवाजते हैं, हर रोज बेइज्जत करते हैं, हर रोज अपने लफ्जों से नंगा करते हैं। तो इट्स बेटर कि जब जमीन पे हमको बेइज्जत किया ही जा रहा है, मुसलमान कर ही रहे हैं, ये इस्लाम वाले कर ही रहे हैं, ये कुरान वाले कर ही रहे हैं, और जन्नत में भी हमको 72 टॉम क्रूज नहीं मिलने वाला है, ब्रैड पिट नहीं मिलने वाला है, तो इट्स बेटर कि हम सच बोले। तो इसलिए नाजिया इलाही खान सच बोलती है और लोगों को बुरा लग जाता है, तो लगे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम यहाँ पर जैसे कि आपने इस्लाम का कहा है, ठीक है, हर चीज मानने में आती है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो अभी इंसिडेंट हो रहे थे उसमें मैंने एक जगह देखा और पढ़ा भी कि हिंदू वुमेन्स को जो उधर फंस गई थी अंदर, वहां उनको फोर्स किया जा रहा था कि अपना ये जो सिंदूर होता है इसको रिमूव किया जाए, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों किया जा रहा था, मतलब उनके लिए एक बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि उनके लिए मुश्किल चीज थी कि अपने ही सिंदूर को खुद मिटाना जो उनके मतलब मजहब में है। आप मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात है जो कि इस तरह से किया जा रहा था। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अली बाबा पाकिस्तान में बैठा है, जिसका मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको, और 40 चोर यहाँ पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, 44 FIR हुए हैं और FIR करने वाला मुसलमान ऑफिसर है। मैम सिंदूर क्यों मिटाया जा रहा था, क्या वजूहात है? मैं आ रही हूँ, वहां पर आ रही हूँ, आप मुझे मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, वहां के पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं, हालांकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मे बी ये इसका इन्वेस्टिगेशन NIA को और CBI को ही दिया जाएगा, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, और जो जिस इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है, ये जिहादी जिहाद का मैदान बना है, वहां पर एक खान बोल करके मुसलमान ही विधायक भी है, MLA भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि सिंदूर का वैल्यू कभी भी मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा, मुसलमान मर्दों को तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मुसलमान मर्द कभी भी अपनी बीवी को वो इज्जत, वो मान, वो मर्यादा, वो वैल्यू कभी नहीं देते हैं जो हिंदू मर्द अपनी बीवी को देते हैं। अब दूसरी बात कि सिंदूर का महत्व, सिंदूर का इम्पोर्टेंस, सिंदूर की अहमियत, सिंदूर से जो मोहब्बत अपने पति से होती है, जिस पति को हिंदू औरतें पति परमेश्वर कहती हैं, उसकी उसकी खूबसूरती, उसका इमोशन और उसकी मर्यादा के बारे में मुसलमान मर्दों को इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अपने अपने इस्लाम के अंदर बीवियों के मुंह पर 3 तलाक चिपका करके, उसको बेआबरू करके, उसको नंगा करके बच्चों के साथ रोड पर छोड़ देते हैं और फिर उसको बदनाम इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरुआत करने से पहले भी हिचकिचाती है। सिंदूर की आस्था, सिंदूर की मर्यादा, सिंदूर का इम्पोर्टेंस, सिंदूर की कद्र मुसलमान मर्दों को इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मुसलमान मर्द इस्लाम के नाम पर 4-4 सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर रखते हैं और उसका जिस्म का मजा लेते हैं, जो हिंदू मर्द कभी भी नहीं करते हैं। वो पूरी जिंदगी
एक औरत के साथ सात फेरे लेते हैं, सात वचन लेते हैं और उन सात वचनों को सात जन्म निभाने के लिए तैयार रहते हैं और अग्नि को साक्षी मान करके जब वो सात फेरा लेते हैं और अपनी बीवी के माथे पर सिंदूर भरते हैं मांग में, तो वो सात जन्म का उनका बंधन हो जाता है। यही वजह है कि मुसलमान को, इस्लाम वाले को जो भगदड़ और जिहादी जिहाद का मैदान बनाए हैं मेवात में और नूह में, उनको सिंदूर का कद्र समझ में नहीं आया और उन्होंने हिंदू मेरी माँ बहनों को उन्होंने सिंदूर पोछने की बात कही। जो मुसलमान मर्द, जो इस्लाम के मानने वाले मर्द अपनी खुद के हमकलमा लड़कियों को, अपनी खुद की हमकलमा महिलाओं को तलाक के नाम पर, हलाला के नाम पर, पॉलीगेमी के नाम पर सेक्सुअली यूज करके छोड़ते हैं, वो मुसलमान मर्द, वो इस्लाम वाले मर्द सिंदूर की अहमियत कभी नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने ये घिनौना अपराध किया है और जिसकी सजा संविधान के साथ साथ उन्हें भगवान से भी मिलेगी। बिल्कुल सही मैम, यहाँ पर इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे जो देखने वाले सारे व्यूवर्स हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अक्सर उकाल हम लोगों को जो दिखाई देती है वो चीजें वैसे नहीं होती जिस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। आज के वाकई से बहुत चीजें रूनमा होती है कि हम लोग पाकिस्तान में बैठ के 75 सालों से एक ही चीज सुनते आए कि मुसलमान जो है वहां पर बहुत ज्यादा कमजोर हालत में पाए जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती, इंपॉर्टेंस नहीं है और मुसलमान जो है वो डर डर के रहते हैं और अपने राइट्स नहीं ले पा रहे मुसलमान वहां पर। आज के वाकई के बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ हिंदू अपने कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा आगे मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर चीज में, बल्कि मुसलमान जो है उनको भी मुकम्मल राइट्स दिए जा रहे हैं और मुसलमान आज हिंदू पर अगर जुल्म कर सकता है तो मुसलमान वहां बैठ के कुछ भी कर सकता है अपने राइट्स के लिए। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार यही अपने देखने वाले और पाकिस्तान में अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं तो बहुत से लोग हमें बहुत सी थ्रेट्स और टॉन्ट देते हैं कि आप लोग इंडिया के लिए काम करते हैं, आप इंडिया के इस हक में बोलते हैं। तो हम अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई अगर ऐसा होता, अगर मुसलमान इतने ही कमजोर वहां पर होते तो वहां की जो मुसलमान लड़कियां हैं या लड़के हैं जो जर्नलिस्ट हैं जो बढ़ चढ़ के हमें बताते हैं बोलते हैं तो वो कैसे इतने आजाद होते हैं। तो मतलब ये चीज हमें समझने की जरूरत है जो आज तक हम समझ नहीं पा रहे। तो मैं सब अपने जो पाकिस्तान से देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा समझे इस चीज को, थोड़ा सा गौर करें, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है हमें कि जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं वो वैसे नहीं है। और अगर आज हम लोगों ने इस चीज को समझना शुरू किया तो मैं कहती हूँ कि शायद हम खुद पाकिस्तान को संवारना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस्लाम के नाम पर मुसलमान मुसलमान करके हम लोगों को गुमराह किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम वो चीजें नहीं बताता जो हमारे मौलवी मुल्ला बताते हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया और हिंदू के नाम पे हमें, स्पेशली इंडिया, हिंदू तो बहुत कम लेकिन इंडिया लोग तो जज्बात जानते हैं सबसा, तो इस वजह से इन जज्बात को काबू करके हमें दूसरी वे में सीखना पड़ेगा। तो बाकी बहुत अच्छा लगा और होप है कि ये मैसेज पॉजिटिव ही लेंगे जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया और यहाँ पर अपनी राय रखी कीमती, थैंक यू सो मच। और देखने वाले व्यूवर्स जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें दे इजाजत, मैं मिलूंगी मैम के साथ। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।